नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि OTG जब कनेक्शन करेंगे तब आपको वायरलेस माइक का आपको यूज करना है। तो ओपन कैमरा में आप वायरलेस माइक कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहां पे देख सकते हैं कि एडिशनल में जाकर के OTG कनेक्शन होता है, वो आपको ऑन करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने ऑन कर लिया है, तब जा करके आप ओपन कैमरा में कुछ सेटिंग करना होता है, वो सेटिंग के बारे में आपको मैं बताऊँगा, तब जा करके ये आपको माइक काम करेगा वायरलेस माइक। जैसे यहाँ पर सकते हैं एडिशनल सेटिंग में गए, आप अपने देख लीजिएगा अपने हिसाब से आपके स्मार्टफोन में OTG कनेक्शन कहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इसके बाद आपको ओपन कैमरा में जाना है। ओपन कैमरा में आपको ऑडियो का जो सोर्सेस है उसको आपको ऑन करना पड़ता है, और फोटो लेने से पहले आपको जो यहाँ पर देख सकते स्क्रीन पर जो दिया हुआ है, सबसे पहले आपको वीडियो सेटिंग में आपको जाना है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऑडियो जो सोर्स है आपको क्या रखना है कि ताकि आपका ये एक्सटर्नल मैक आपको काम करेगा। जैसे यहाँ पे ऑडियो सोर्सेज में आ जाना है, ऑडियो सोर्सेज में आपका ये एक्सटर्नल माइक इफ प्रेजेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप ऑन कर देंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे तो आपका जो वायरलेस माइक है वो काम करने लगेगा। अब इसके बाद में ओपन कैमरा में आपको कैसे सेटिंग करना है जब आप ओपन कैमरा को, तो पहले प्ले स्टोर पे जाना है, ओपन कैमरा को टाइप करके आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि जितने भी वायरलेस माइक है आपको जो नॉर्मल कैमरा है उसमें काम नहीं करता रहता है, तो इसके लिए आपको ओपन कैमरा का आपको आवश्यकता पड़ेगा। तो ओपन कैमरा यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद मैं बैक जाऊँगा, बैक जाने के बाद ओपन कैमरा में कुछ आपको सेटिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये वायरलेस माइक आपको काम करेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ओपन कैमरा को जब ओपन करेंगे तो कुछ परमिशन होगा वो दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो सेटिंग के ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक किया, इसके बाद आपको ऑप्शन आएगा फ़ोटो सेटिंग और एक वीडियो सेटिंग। तो यहाँ पर वीडियो आपको करना है यूट्यूब वीडियो के लिए या ब्लॉगिंग के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो सेटिंग में आपको जाना है। इसके बाद वीडियो जो रेजोल्यूशन है वो YouTube के लिए 1920x1080 का फुल HD में आपको देना होता है, ज़्यादातर लोग ये सिलेक्ट करते हैं, आप अपने हिसाब से आप 720 वाला भी आप ले सकते हैं। इसके बाद वीडियो फॉर्मेट की मैं बात करूं तो पहला नंबर जो है MPEG4, जो दूसरा नंबर है ना उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन आएगा आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन का, कि आप वीडियो का लेंथ कितना टाइम आपको करना चाहते हैं ड्यूरेशन, तो मैं वहाँ पे नन करूँगा और नन रजिस्टर्ड का ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो जो जो मैंने यहाँ पे सेटिंग किया है वो सेटिंग आप कर लीजिएगा। मैक्सिमम साइज कितना रखना चाहिए आप अपने हिसाब से रख लीजिए, नहीं तो आप डिवाइस डिफ़ॉल्ट पर ही रहने दीजिए, इसमें कोई आपको कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पे ऑन रहना चाहिए रिकॉर्ड ऑडियो, ताकि आपको ऑडियो जो है रिकॉर्ड होता रहेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको, आप देख सकते हैं कि ऑडियो सोर्सेज का, तो ऑडियो सोर्सेज में जाएंगे, एक्सटर्नल माइक आप यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो को शुरू में ही बताया, एक्सटर्नल माइक इफ प्रेजेंट पर आपको क्लिक करेंगे आपको ऑडियो काम करने लगेगा। नहीं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से बारी बारी से सेलेक्ट करके आप देखेंगे, बाकी बात जो डिफ़ॉल्ट है वहीं रहने देंगे। यहाँ पर इसको आप स्क्रीन जो है रिकॉर्डिंग वीडियो इसको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे वैसे रहने दीजिए। यहाँ पर एक और है वीडियो बिटरेट का, तो बिटरेट में जैसे कि बहुत 60 कम से कम रखिए, ज़्यादा इसी से आपको या तो 50 रखिए वीडियो, तो मैंने यहाँ पे 50 पर रखा है, या तो 40 भी कर सकते हैं, या तो DSLR के लिए आपको 150-100 तक लोग रखते हैं। वीडियो फ्रेम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जो है इसमें कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। अब आइए फोकस ले लेते हैं, जैसे कोई वीडियो आप लीजिएगा तो वहाँ पे फोकस लेना पड़ता है, मैंने यहाँ पे फोकस ले रहा हूँ। फोकस लेने के लिए यहाँ पे जो जब कैमरा ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे 3 जो लाइन है उस पर आपको 3 डॉट है, तो उस पर आपको क्लिक करना है, वीडियो रेजोल्यूशन आपको आएगा। इसके बाद यहाँ पे जो एक की है लॉक है उसको लॉक कर देना है, ताकि आपको हिल डोल नहीं करेगा, कैमरा आपका हिल डोल नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाना
देना है आपको, पहले मैं बता दूं, यहाँ पर लिखेगा फोकस लॉक्ड, यानी फोकस को सबसे पहले आपको लॉक कर लेना है ताकि आपको बाद में हिलडोल आपका कमरा नहीं करेगा, मोबाइल आपका हिलडोल नहीं करेगा। इसके बाद आप यहाँ आ जाइएगा, एक ऑप्शन है कितना आप ब्राइटनेस रखना चाहते हैं, प्लस के आइकन पर जा करके आप ब्राइटनेस भी रख सकते हैं। चलिए मैं आपको ब्राइटनेस के लिए मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राइटनेस के लिए जो प्लस और माइनस के ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो है जितना ब्राइटनेस ले सकते हैं उसके हिसाब से आप अपना कम बेस यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे ज़्यादा जो है ब्राइटनेस भी नहीं रखिएगा, नहीं तो वीडियो जो है कुछ इस टाइप का हो जाएगा, वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं जो है बस हल्का बढ़ा करके 50% 60% के आसपास आपको ब्राइटनेस रखना है। इसके बाद जब सारा सेटिंग हो जाए तो इसको भी आप लॉक कर दीजिएगा ताकि आपका बाद में वीडियो चलते टाइम आपका हिल डोल नहीं करेगा, ब्राइटनेस में आपको कोई कमी नहीं आएगी। तो ये हो गया फोकस का, और इसके बाद जो है एक्सटर्नल माइक यूज आपको हो ही रहा है, आप करके देखिए आपका काम करेगा, नहीं तो जो आप वायरलेस माइक हो तो 7 दिन में आपका रिफंडेबल होता है, 7 दिन के बाद रिफंडेबल भी कर सकते हैं, लेकिन ओपन कैमरा में ही आपको सेटिंग और। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार की कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए बीएसटी ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए बीएसटी टाइप करना है, बीएसटी ऑल टिप्स टाइप करना है, बीएसटी एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है।